सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला घर छोटू को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। और ना हमारे गांव में अभी धूप भी नहीं आई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे गाँव में धूप लेट आती है। और तो यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम पे मेरे हस्बैंड जी पीने लग गए हैं गर्म पानी। और भूख भी घर आ गया है हल्द्वानी से, कल आए। और हल्दी भी सूख गया है, मम्मी ने उठा लिया है एक सूखे और एक पन्नी में। ये वाला चक्की में कूट के लेके आएंगे और इसको बाद में कूटेंगे। फिर से यहाँ मम्मी खेतों में से पालक निकालने लग गए हैं और जो बीज के लिए है उसी को रखेंगे मम्मी खेत में। और जो एक खुला हुआ जैसा है उसको निकाल रहे हैं। और यहाँ पे है ये कौन लग लगो हाँ खाली बाहर ना वो इधर बहुत है खाली बीज है कौन लग बिल है कौन लग बिल है उधर बीज लगने को बैठ हाँ हाँ तब तो पहन बाहर नहीं खाऊंगा अब अलग खाना नहीं। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं इसमें लगा रखा था ना स्टोरी हो तो इसमें पानी डाल रहा हूँ। इसमें तो एक भी पौधे नहीं दिखते। ये कुत्ते ने काट दिया था गोलू ने। इसमें डाल रखा ना मैंने बीज। अच्छा, इसके अंदर बीज डाल रखा है स्ट्रॉबेरी का मैंने। स्ट्रॉबेरी नहीं हो पाई इस बार हमारे। इस बार जो है स्ट्रॉबेरी का फल नहीं मिल पाया हमको इतना अच्छा। क्यों? खाली बस छोटे छोटे हो रहे हैं और वहीं से खराब हो जा रहे हैं, कोई पता नहीं। पहली बार तो बहुत अच्छी हुई थी। जैसे ये फल लगा है ये पता नहीं क्या हुआ ये हो गया तो ये ऐसे वो हो जा रहा है खराब हो जा रहा है। इसने बढ़िया करके फूलना चाहिए था। ऐसे सारे ऐसे ये ऐसे ये भी है जैसे इसने पूरा खुलना चाहिए था ये यहीं से ही वो हो गया क्लोज हो जा रहा है ये पता नहीं तो ठीक है आनी आप एक लेने लगना ये बार बढ़िया बार सब यह खराब होना आनी दृष्टि बिस्तर के अंदर से देखी है मेरे को। अभी उठ रही है तू है? गुड मॉर्निंग बोल दे मम्मा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग हाथ दो हाथ दो। गुड मॉर्निंग बोलो ना। चलो शाबाश मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है ना। वो वाला हाथ ये वाला हाथ दो ना। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। जय बोल दो मामा को। जय बोल दो। शाबाश जय बोलो ना। आज यहाँ पे मम्मी ने पालक भी निकाल लिया है और मटर भी निकाल लिया है। अब ना मटर जैसे अलग करती हूँ और ये पत्तियाँ जैसे अलग करती हूँ और मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो मैं अब कर लेती हूँ मटर को अलग। ये मटर जैसे अलग करने हैं जिसकी करती हूँ। और हमारा बच्चा यहाँ से देखा है। हेलो गाइज बोल दो। हेलो गाइज मैं यहाँ हूँ। बाहर आओगी?
बाय बेटा, बाय बाय। तो गाइज आज हम फिर से सरसों की मनाई करने लग गए हैं। उस दिन अलग वाला थोड़ा था, आज अलग वाला है। तो यहाँ पे मम्मी ये लाठी टेक के सरसों की मनाई कर रही है। अब मैं भी फटाफट से सरसों की करती हूँ मनाई। फिर से आज लकड़ी की भारी लेके आ गए हैं कनावा की दीदी। पीछे से है एक बड़ी बड़ी भारी और आगे से लगा रखा है ऊंची घास का बीन। ये रही मेरी दीदी। दीदी ना लाठी टेक टेक के आ रहे थे, थकान हो रही या भूली बहुत ज़्यादा कह रहे थे। कितनी थकान हुई दीदी? बहुत ज़्यादा यार। हाँ तो गाय बच गया है डेढ़। अब हमने गाय भी गोट में बांध दिए हैं और यहाँ पे दीदी लोगों ने भी बांध दिए हैं। तो अब मैं जाती हूँ गौशाले के छत पे। तो वहाँ हमने लकड़ी रख रखे हैं, तो लकड़ी ले जाने हैं। तो मौसम भी ख़राब होने वाला है अचानक ना, कल की तरह जल्दी बारिश हो जाएगी तो लकड़ी भी भीग जाएंगे। तो मैं ले जाती हूँ लकड़ियों को। और हमारी लकड़ी यहाँ पे है वाले घेड़ों से ना बहुत अच्छा आग जलता है, जल्दी खाना भी बन जाता है। तो गाइस अभी का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, आसमान में पूरे काले काले बादल छाए हुए हैं। तो गाइस अब मैंने भारी लगा ली है, ये रही मेरी भारी। अब लगाती हूँ मैं इसको पीठ में, आती हूँ मैं घर की ओर। तो यहाँ पे आ गए हैं पतिदेव जी मेरी मदद करने। तो कितना भारी हो रहा है? बहुत भारी हो रहा है ये तो। हैं? खाली मत बोलो। बहुत ही भारी हो रहा है। हाथ से पकड़ लो। तो गाइज यहाँ पे ना बहुत अच्छे फूल खिल रखे हैं, एक रेड कलर के एक वाइट कलर के। जो ये वाइट कलर के दिख रहे हैं, ये वाइट कलर के फूल ना पूर्णिमा के फास्ट के दिन चाहिए। तो गाइज बज गए शाम का 6 और ना बहुत ज़्यादा आरती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको अभी का मौसम। तो गाइज करती हूँ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।